जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है और जबरदस्त स्वागत है। आज एक खुशखबरी है क्योंकि आज मैं शुरू कर रहा हूँ इतिहास यानी हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। एक तरफ से हम लोग साइंस तो लेके चल ही रहे हैं, तो जब तक साइंस खत्म होगा इधर से इतिहास, भूगोल और सिविक मतलब कि पॉलिटी भी समाप्त हो जाएगा। तो हिस्ट्री में आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, यहीं से पता चलेगा कि मेरा हिस्ट्री आपको कितना पसंद आने वाला है। कंसंट्रेट होकर देख लिए तो बिल्कुल 100% आप जो बोर हो रहे थे किताब पढ़ने में, बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल अपने भारत के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारत जिसे आर्यावर्त, भारतवर्ष कहा गया, जम्बूद्वीप कहा गया है, रामायण में आप सुने होंगे, भजन भी सुनेंगे, आर्यावर्ते भारतवर्षे जम्बूद्वीपे, जहाँ एक अयोध्या, जहाँ नगरी है एक अयोध्या नाम की, और जो जन्मभूमि है परम पुरुष श्री राम की। तो श्री राम के नाम लेके आज हम लोग इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं, और जिसमें वर्णन भी किया गया है गायत्री मंत्र का, ओम भूर भूर्वस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयाता। तो श्री राम का नाम लेके और गायत्री मंत्र के साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, ताकि पूरा कर सकें, क्योंकि स्टार्ट करना तो आसान है लेकिन पूरा समाप्त करना मुश्किल है। लेकिन आपका सहयोग और मोटिवेशन, लाइक और कमेंट मिल गया, अधिक से अधिक आप शेयर किए इस वीडियो में, अधिक से अधिक आपका इन्वॉल्वमेशन और बास्ट टाइम हो गया, तो मुझ में एक अद्भुत एनर्जी आ गया और जल्द ही इतिहास को हम लोग समाप्त कर देंगे। तो आइए देखिएगा, एक सेकेंड भी स्किप नहीं करना, क्योंकि एक एक पॉइंट्स में तीन तीन चार चार क्वेश्चन को मैं इन्वॉल्व किया हूँ, और सभी को क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा, और इसका तब आपको महत्व पता चलेगा जब पूरा थ्योरी क्लास आप पढ़ लीजिएगा ये वाला का, तो इसका जस्ट ही बाद आपको 150 या 100 का वन लाइनर क्वेश्चन आएगा और सभी को आप सही कर जाइएगा, और साथ ही साथ 100 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसको भी आप टोटल को सही कर जाइएगा। तो खास करके आप किसी स्टेट लेवल का एग्जाम की तैयारी करें, चाहे तो स्टेट PCS हो, BPSC हो, बिहार दरोगा हो, या आने वाला एग्जाम सचिवालय हो, रेलवे में भी मॉडर्न हिस्ट्री, या कहीं से भी, तो क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास हिस्ट्री। अब आपका ये भ्रम भी दूर हो जाएगा कि इतिहास हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग टॉपिक है। पहले हम लोग बचपन में करते क्या पढ़ते थे कि इतिहास सिविक्स मतलब हिस्ट्री, सिविक्स और पॉलिटी है बेवफा, रात को पढ़ो दिन के हो जाता है सब। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से आपको मैथ में इंटरेस्ट जगा दिया हूँ मैं, जिसको लग रहा था मैथ बहुत ही हार्ड है, मैथ कितना आसान है आप सभी को अनुभव हो गया होगा, उसी प्रकार से हिस्ट्री कितना मज़ेदार है इसको आप पढ़िएगा तो लगेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इतिहास में हिस्ट्री में सबसे पहले जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमसे बन पड़ा है वो लिखने का प्रयास किया, और ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन बनाया हुआ है, क्वेश्चन बनाया, मैं प्रीवियस क्वेश्चन देख चुका हूँ, इसलिए एक एक भी पॉइंट्स इग्नोर नहीं करना, एक सेकेंड भी इग्नोर करते हैं तो दिक्कत होगा। लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं, या तो पहले ही, जैसे कि आज पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तो आगे जैसे अगला चैप्टर पढ़ाने वाले रहे तो आज ही बोल देंगे, तो आगे दिन आप 2 से 3 बार उसको रीडिंग दे देना, भले आप बोर हो रहे हो लेकिन 2-3 बार रीडिंग दिए रहिएगा, फिर यहाँ से उसको पॉइंट्स मैं निकाल के पढ़ाऊंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, लूसेंट से आपको देख लेना, चूंकि आधार में उसी को मारा, चूंकि डिटेल में और हिस्ट्री पढ़ना है तो आपको NCERT को अपनाना होगा, लेकिन डायरेक्ट आप NCERT पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, आप लूसेंट से पढ़ लो, 50-60-80% क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मजा आएगा आपको पढ़ने में। वैसे कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप लूसेंट को बेटर ढंग से पढ़ के निकाल सकते हो। यहाँ ये कहता है इतिहास है क्या, तो जिस समय, ये अपने मन से भी परिभाषित कर सकते हैं, हम लोग बचपन में पढ़ते थे बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन बीती हुई बात कितने तरह के हो सकते हैं, हो सकता है बीता होगा उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं हो, या लिखित साक्ष्य उसको पढ़ा नहीं गया हो, और लिखित साक्ष्य और पढ़ा गया उसको इतिहास कहते हैं। यानी इतिहास किसे कहते हैं, जिस समय या काल का लिखित साक्ष्य पढ़ा गया हो उसे इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। याद हो गया, पहले से याद था। इतिहास का पिता बोलिए या पितामह बोलिए, हेरोडोटस,
हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास का पिता या पितामह हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक भी हेरोडोटस है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा है जिसमें इतिहास का वर्णन किया गया है, लेकिन इसका इतिहास मान्यताओं पर आधारित है, इसलिए उतना वैल्यू इस बुक का नहीं है, उतना इतिहास के बारे में अध्ययन नहीं हो पाता है इससे। लेकिन फिर भी प्रारंभिक पुस्तक है, इतिहास का पहला पुस्तक है, इसलिए इसे इतिहास का पिता कहा दिया गया है हेरोडोटस को। आइए भारत के इतिहास के बारे में हमें मेनली रूप से पढ़ना है, लास्ट में हम लोग विश्व इतिहास को पढ़ेंगे। तो भारत का इतिहास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। भारत का पुराना नाम आर्यावर्त है। आर्यावर्त महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को कहा गया है भारतवर्ष। आर्यावर्त भारतवर्ष, तो यहाँ पर भारत का पुराना नाम आर्यावर्त महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को कहा गया है भारतवर्ष या भरतों का देश। कहा जाता है कि इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत के नाम पर ही भारत पड़ा था। इक्ष्वाकु वंश का चर्चा आप रामायण देखे होंगे, तो उसमें राम भगवान ने भी जब बाली को तीर मारा था वहां पे इसका वर्णन किया था कि उसी के हम वंशज हैं, इसलिए ये पूरा देश पर मेरा अधिकार है, हम किसी को दंड दे सकते हैं। उसके वार्तालाप आप सुने होंगे। तो ये भारत के भरतों का देश कहा गया है। यहाँ के निवासियों को पुराणों में क्या कहा गया, भारती या भरत का संतान। भारत के लोगों को पुराणों में भारती या भरत का संतान कहा गया है। प्राचीन भारतीय अपने देश को कहते थे जम्बूद्वीप, जामुन के वृक्षों का द्वीप, जम्बूद्वीप। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप कहते थे। आप रामायण में सुने होंगे, लास्ट में लवकुश जो रामायण यदि आप देखे हो तो उसमें गाना गया गया है आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे, जहाँ एक नगरी है अयोध्या नाम की, यही जन्मभूमि है परम पुरुष श्री राम की। इसका मतलब ये उससे भी पता चलता है, वो भी एक रामायण भी एक ग्रंथ है, तो वहां से भी पता चलता है कि हमारे देश का नाम आर्यावर्त रहा होगा, जम्बूद्वीप रहा होगा, भारतवर्ष रहा होगा, ये सब वर्णन है। तो क्लियर हो गया यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं। भारत को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा था, तो यूनानियों ने इंडिया कहा था। एक्चुअल में भारत का नाम सिंधु नदी से बनना शुरू हुआ। सिंधु नदी के आधार पे ईरानियों ने भारत को के लोगों को हिंदू कहा, और हिंदू से धीरे धीरे वो हिंद में कन्वर्ट हो गया, हिंद से यूनानी आया तो उसको इंदे कहने लगे, इंदे, और इंदे से बन गया इंडिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बार बार पूछा गया, बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया है कि भारत को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा, तो यूनानियों ने कहा था। कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर एवं दक्षिण दो भागों में बांटता है, तो विंध्य की पर्वतमाला। विंध्य की पर्वतमाला जो है, पर्वत श्रृंखला जो है, विंध्य की पर्वत श्रृंखला जो भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांट देता है। एक्चुअल में हिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यदि आप कहानी के तरह बना के पढ़ोगे, पूरा इमेज माइंड में फिट करना चाहोगे, जैसा कि लूसेंट हम लोग जितना जल्दी खत्म कर लें तो जब एनसीईआरटी से और पढ़ेंगे तो और इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि मैं लूसेंट में ही पूरा इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कहानी आप सुनते होंगे बचपन में, दादा दादी नाना नानी सुनाते थे तो एक इमेज माइंड में बनता था और वो हमें याद हो जाता था। उस तरीका से हम लोग पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से याद होगा। यदि हम एक एक पॉइंट्स को सिर्फ रटते रहेंगे तो निश्चित है हम लोग भूलेंगे। ये सारे पॉइंट को फिर से एक बार दोहराते हैं, दोहराए तेरा है तो आपको बोर नहीं होना है। सबसे पहले तो इतिहास है क्या, तो जिस समय या काल का इतिहास क्या हुआ, बीते हुए बात है, बीता हुआ समय है, काल है, तो जिस समय या काल का लिखित साक्ष्य पढ़ा गया उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास का पिता या पितामह हेरोडोटस को कहा गया है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक हेरोडोटस ने लिखा। भारत का इतिहास के बारे में थोड़ा सा यहाँ जानकारी मिला कि भारत का पुराना नाम आर्यावर्त है। महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को भारतवर्ष या भरतों का देश कहा गया है। इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत के नाम पे पड़ा है। तो कहता है यहाँ के निवासियों को मतलब भारत के निवासियों को पुराणों में क्या कहा गया, तो पुराणों में भारती कहा गया, भारत से भारती या भारत का संतान, जिसका अर्थ होता है भारत का संतान। प्राचीन भारतीय अपने देश को कहते थे जम्बूद्वीप, जैसा कि रामायण में भी वर्णन है। भारत को सर्वप्रथम इंडिया
किसने कहा था? यूनानियों ने। कौन पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर एवं दक्षिण दो भागों में बांटता है? तो विंध्य की पर्वत श्रृंखला। इतिहास बेटा ढंग से पढ़िएगा तो भूगोल पढ़ने में मजा आएगा। जब एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट करवाइएगा तब और मजा आएगा। तो इतिहास को बेटा ढंग से अध्ययन करना ताकि भूगोल और आसान हो जाए। इतिहास भूगोल आसान होगा तब राज व्यवस्था पढ़ने में और मजा आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि भारत कौन पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर दक्षिण दो भागों में बांटता है? विंध्य की पर्वत श्रृंखला। याद हो गया सभी पॉइंट्स? आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर में किस परिवार के लोग रहते हैं? इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन के लोग भारत के उत्तर में रहते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत के उत्तर में किस प्रकार के लोग रहते हैं, किस परिवार के लोग? तो इंडो यूरोपियन परिवार के लोग, इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले लोग, ऐसा भी बोल सकता है। भारत के दक्षिण में किस प्रकार के लोग होते हैं? द्रविड़ परिवार के लोग या द्रविड़ भाषा बोलने वाले परिवार के लोग। तो उत्तर में इंडो यूरोपियन, दक्षिण में द्रविड़। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया। हालांकि हर एक देश अपने अपने तरह से अपने देशों के इतिहास का अध्ययन किया है और बहुत सारे देश ने तीन भागों में बांटा। उसी प्रकार से भारत ने में भी इतिहास का विशेष रूप से गहराई से अध्ययन करने के लिए, अध्ययन में सुविधा हो, इसके लिए तीन भागों में बांट दिया गया। वो तीन भाग क्या है? प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास मैंने भारत का प्राचीन इतिहास, इसलिए प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हम लोग शुरू से पढ़ेंगे प्राचीन भारत, एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट इंडिया, ठीक है ना, प्राचीन भारत। तो यहां से आइए, सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में किसने बांटा था? तो क्रिस्टोफ सेलियरस ने। ये जर्मन इतिहासकार था क्रिस्टोफ सेलियरस। लगभग 18वीं शताब्दी में 1700 समथिंग में इन्होंने इतिहास को सुविधापूर्वक पढ़ने के लिए, सुविधापूर्वक अध्ययन के लिए तीन भागों में बांटा। किसने? क्रिस्टोफ सेलियरस। नाम को याद रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट नाम याद होगा आगे चल के भी। क्रिस्टोफ सेलियरस ने इतिहास को तीन भागों में बांटा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो इतिहास को तीन भागों में किसने बांटा? क्रिस्टोफ सेलियरस, जर्मन इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए मुख्यतः चार स्रोतों पर जोर दिया गया है जिसका अध्ययन हम इस क्लास में करेंगे। चार स्रोतों कौन कौन है? तो पहला धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य है। फिर से यहाँ से पॉइंट्स को दोहराते हैं। भारत के उत्तर में किस परिवार के लोग रहते थे? इंडो यूरोपियन। भारत के दक्षिण में किस प्रकार के लोग रहते थे? द्रविड़ परिवार। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में किसने बांटा? क्रिस्टोफ सेलियरस ने। मैं बार बार बोलता हूं ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए। ये जर्मन इतिहासकार था। अब यहाँ से शुरू होता है हम लोग का पहला टॉपिक, प्राचीन भारत, ठीक है ना। प्राचीन भारत में सबसे पहले कौन कौन साक्ष्य है जिसके सुविधा से हम लोग इतिहास को पढ़ सकते हैं, उस साक्ष्य के बारे में पढ़ना है सबसे पहला टॉपिक। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए मुख्यतः चार स्रोतों पर जोर दिया। चारों स्रोतों के बारे में अभी अध्ययन करेंगे। पहला है धर्म ग्रंथ। जैसे धर्म ग्रंथ वेद हो गया, पुराण हो गया, इस सभी में कुछ कुछ घटनाओं का वर्णन है, तो वहां से सुविधा हो जाता है इतिहास के बारे में जानने के लिए। उसके बाद ऐतिहासिक कुछ ग्रंथ भी लिखा गया है। पहले भी बहुत सारे इतिहासकार होते थे राजा के दरबार में जो बीते हुए बातों को लिखते थे इतिहास के रूप में, ऐतिहासिक ग्रंथ। कुछ विदेशियों का विवरण है, बहुत सारे विदेशी आए, हुएन सांग आए, फहयान आए, मेगास्थनीज आया, सेल्यूकस निकेटर आया, तो सभी आया, तो सभी बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ आके वर्णन किए यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था और रहन सहन के बारे में, सांस्कृतिक के बारे में। तो उससे भी विदेशियों का विवरण से भी सुविधा मिल जाता है इतिहास के अध्ययन में। और पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य, मतलब खुदाई में बहुत सारे वस्तु प्राप्त हुआ है उससे भी कुछ सुविधा मिला इतिहास का अध्ययन करने में। क्लियर है? तो ये चारों के बारे में अभी इस क्लास में लोग डिटेल से पढ़ेंगे, पॉइंट्स बनाते चलेंगे, उससे क्वेश्चन बनेगा। पहला धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक संबंधित, उसमें सबसे पहले धर्म ग्रंथ के बारे में। क्लियर है? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे इतना देर टाइम रहता है कि आप नोट्स भी वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कंसंट्रेट होकर सुनते हैं तो आपको यहीं पे आपको याद भी हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो स्क्रीनशॉट है तो आप नोट्स भी बनाते चल सकते हैं, तो ज़्यादा सुविधा होगा वन लाइनर। चूँकि जो भी पढ़िए एक बार पढ़िए, मज़े से पढ़िए, इतना मज़े से पढ़िए कि कोई भी कारण ना रहे जिसके कारण एक भी क्वेश्चन आपसे छूट सकता है। कोना कोना से निकाल के क्वेश्चन को खींच लेना है। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी।
क्लियर है। एक एक पॉइंट्स में दो दो तीन तीन क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को दो तीन तरीके से घुमा के भी पूछ सकता है, हम लोग किसी को भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो आज के क्लास में मेनली रूप से ये दोनों है, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। पहले धर्म ग्रंथ के बारे में जानेंगे, फिर कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। अगला क्लास में हम लोग देखेंगे, अभी बोल देते हैं पढ़ लेना है आपको, जो विदेशियों का विवरण है, किसके दरबार में कौन विदेशी आया, कौन सा पुस्तक लिखा, किसका वो राजदूत था वो, और साथ ही साथ पूरा तात्विक साक्ष्य पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उतना आपको पढ़ लेना है, विदेशियों का आगमन, विदेशी का जो विवरण है, जो इतिहासकार है, लेखक है, और साथ ही साथ पूरा पूरा तत्व जो साक्ष्य मिले हैं वो पढ़ लेना है। यहाँ पे हम लोग धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। सर्व प्राचीन मतलब सबसे पुराना धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। आगे पढ़िए, वेदों के संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसको मैं जानबूझ के क्वेश्चन के रूप में बना दिया हूं ताकि दो तीन बार बोलूंगा तो आपके माइंड में पूरी तरीके से सेट हो जाएगा, और जब इसका वन लाइनर ऑब्जेक्टिव आएगा तो पूरा याद हो जाएगा। मजा है, बस आप पढ़ते तो रहिए, कंसंट्रेशन बरकरार रखिए। भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ है वेद। वेदों के संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, या सिर्फ वेद व्यास भी देता है, वेदों के संकलन करता वेद व्यास। आगे वेदों में उपदेश दिया गया वसुधैव कुटुंबकम का। वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश भारत के किस ग्रंथ में दिया गया है? तो वेदों में। तो ये वसुधैव कुटुंबकम होता क्या है? वसुधैव वसुधा मतलब पृथ्वी होता है, कुटुंब मतलब परिवार, मतलब पूरा पृथ्वी एक परिवार के जैसा हो, ऐसा संदेश, ऐसा उपदेश वेदों में दिया गया है। तो यहीं से क्वेश्चन बना कि वेदों में उपदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब पूरा पृथ्वी एक परिवार के जैसा हो। आगे, भारतीय परंपरा वेदों को मानती है, क्या मानती है? नित्य तथा अपौरुषेय, नित्य तथा अपौरुषेय, जो सदा सत्य बोलने वाला, सदा सनातन रहने वाला मानती है भारतीय परंपरा। तो भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानते हैं? नित्य तथा अपौरुषेय, याद रखिएगा इस शब्द को। आगे है, वेदों की संख्या कितने हैं? चार हैं, बचपन से रटते आ रहे हो। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे नया अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, क्लियर है। सबसे प्राचीन वेद गद एवं पद वाला वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद। आगे इसका पूरा डिटेल देखते हैं। संगीत का जनक सामवेद, और तंत्र मंत्र, जादू, टोना, डाइन, कमाइन जो है सब वाला वेद अथर्ववेद, क्लियर है। वेदों को कहा जाता है संहिता, यहां से भी क्वेश्चन बना देता है, वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। आगे, अब यहां से शुरू होता है ऋग्वेद, उसके पहले ये सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहराते हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। पहले तो धर्म ग्रंथ में ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट है भारत का सर्व प्राचीन सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है वेद। अब वेदों का संकलन किसने किया था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, या सिर्फ वेद व्यास, याद रख सकते हैं। वेदों में उपदेश है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी परिवार के तरह हो। भारतीय परंपरा वेदों को मानती है, क्या मानती है? नित्य एवं अपौरुषेय। वेदों की कुल संख्या चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब वेदों को कहा गया है संहिता। अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं पहला ऋग्वेद, बारी बारी से ऋग्वेद, इसमें ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, अगला में तीनों क्लियर हो जाएगा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसका एक एक पॉइंट एकदम माइंड में सेट करते जाना, सेट होगा ही। पहली बात तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहा गया है, ऋचाओं को, क्योंकि पूरा का पूरा ऋग्वेद ऋचाओं पर ही आधारित है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा गया है? ऋग्वेद कहा गया है। और ऋग्वेद का रचयिता माना जाता है विश्वामित्र को। वेदों के संकलन करता इकट्ठा किया है कौन? वेद व्यास ने। लेकिन ऋग्वेद के रचयिता माना जाता है विश्वामित्र को। क्यों माना जाता है आगे आपको पता चल जाएगा। विश्वामित्र का वर्णन आप रामायण सीरियल भी देखे हो तो उसमें भी किया गया है, रामायण में भी पढ़ना है। कहता है सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद, अभी आपको बताए थे। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है, क्लियर है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028। और ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 10462। तो ऋग्वेद में मंडल 10,
सुक्त मंडल 10, सुक्त 1028 और ऋचाएं 10462, याद हो गया, मंडल 10, सुक्त 1028, ऋचाएं 10462। और बालखिल्य पाठ के कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में? 11। बालखिल्य पाठ के ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 11। इसी में यही 1028 सूक्त में ये 11 जो है बालखिल्य पाठ के, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन बनाता है। क्लियर हो गया। अब यहां देख लीजिए, फिर से मैं दोहराऊंगा, ऋग्वेद पढ़ने वाले व्यक्ति को होत्री ऋषि कहा गया है। होत्री, ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को या व्यक्ति को क्या कहा गया? होत्री, होत्री। यहां देखो, ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने किया है और इसीलिए इन्हें ऋग्वेद के रचनाकार माना गया है, रचयिता माना गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि तीसरा मंडल में ही गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि गायत्री मंत्र जो आप पढ़ते हैं, ओम भूर भूर्वस्व तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यही पूरा गायत्री मंत्र है, ठीक है, आपको भी याद होगा। तो ये जो गायत्री मंत्र लिखा था, ये विश्वामित्र के द्वारा ही रचना किया गया है गायत्री मंत्र का, और इसका जो वर्णन किया गया है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, तो आपको याद हो गया होगा गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने, क्योंकि पूरे तीसरे जो मंडल है उसका रचना विश्वामित्र ने किया, पूरा ऋग्वेद का ही रचयिता उनको माना गया है, विश्वामित्र को। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता या सूर्य देवता सावित्री भी लिखता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ देता है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद के किस मंडल में सोमदेव का वर्णन है? नौवें मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल में सोमदेव का वर्णन है? नौवें मंडल में। नौवें मंडल में सोमदेव का वर्णन है, याद रखिएगा। ऋग्वेद के आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया? खिल। ऋग्वेद के आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है, हाथ द्वारा लिखा गया ऋचा ऋचा है, उसको खिल कहा गया। यहाँ कुछ सूक्त था जिसको बालखिल्य कहा गया, ये सूक्त है, और आठवें मंडल में कुछ हस्तलिखित ऋचाएं हैं जिसे केवल खिल कहा गया है, खिल। ऋग्वेद के किस मंडल में चतुष्य वर्ण, चतुष्य वर्ण मतलब चार वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और हरिजन, ये चतुष्य वर्ण का वर्णन जो किया गया है ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। केवल मंडल पूछे तो दसवें मंडल, आप पूछेगा दसवें मंडल के किस सूक्त में, तो पुरुष सूक्त में किया गया चतुष्य वर्ण का वर्णन, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से हरिजन या शूद्र का उत्पत्ति हुआ है, प्रकट हुआ है। फिर से, ऋग्वेद के किस मंडल में चतुष्य वर्ण का वर्णन है? तो दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में। और वो चतुष्य वर्ण क्या है? तो वर्णन क्या है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से निकला है शूद्र या हरिजन। क्लियर है, ऐसा वर्णन किया गया है आपको ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में। क्लियर हो गया। एक बार फिर से ऋग्वेद को दोहरा लेते हैं। ऋग्वेद तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद के रचयिता माना जाता है विश्वामित्र को। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल मंडल है 10, कुल सूक्त है 1028 और ऋचाएं 10462। बालखिल पाठ के कितने सूक्त हैं? 11। ऋग्वेद पढ़ने वाले व्यक्ति होत्री कहलाते थे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। तो गायत्री मंत्र की भी रचना हो गई, हो गए रचनाकार विश्वामित्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री। ये सारे क्वेश्चंस हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में सोमदेव का वर्णन है? नौवें मंडल में। नौवें मंडल में ऋग्वेद के आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को कहा गया खिल, या बोलेगा हस्तलिखित ऋचाओं खिल का वर्णन किस मंडल में? तो आठवें मंडल में। क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है। ऋग्वेद के किस मंडल में चतुष्य वर्ण का वर्णन है? तो दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में। क्लियर हो गया। तो आप चाहें तो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
क्लियर है, एक एक पॉइंट्स महत्वपूर्ण है, एक एक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन बनेगा और निश्चित है आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, टोटल याद होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं, बस अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाना है, शेयर करना है ताकि सबका भला हो, सबका बेस्ट तैयार हो और सिलेक्शन पक्का हो। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद के बाद हम लोग दूसरा में आगे बढ़ते हैं यजुर्वेद के बारे में, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। यजुर्वेद कहता सस्वर मतलब स्वर के साथ, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय, समय अनुपालन, बलि के समय अनुपालन के किस समय बलि होना सही रहेगा के लिए नियमों का संकलन या वर्णन जो है यजुर्वेद कहलाता है या कहा जाता है। तो आप पढ़े थे ऋग्वेद के बारे में कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं, उसी प्रकार से सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन, मंत्रों सस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। गद एवं पद वाला वेद भी यजुर्वेद ही है, यजुर्वेद को गद एवं पद वाला वेद कहते हैं। आगे कहता है यजुर्वेद के पाठकर्ता अध्वर्यु है, जैसे कि ऋग्वेद के पाठकर्ता होत्री, तो यजुर्वेद के अध्वर्यु, एक एक याद रखना है अध्वर्यु। बलि के नियम का वर्णन यजुर्वेद में है, बलि के नियम का वर्णन यजुर्वेद में है, यज्ञों के नियम का भी वर्णन यजुर्वेद में है, जैसा कि डिफिनेशन से ही पता चल गया कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद, तो यज्ञों के नियम का वर्णन भी यजुर्वेद, बलि के नियम का भी वर्णन यजुर्वेद, गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद, यजुर्वेद के पाठकर्ता अध्वर्यु, याद हो गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं साम वेद क्या है, तो साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है, शाम का शाब्दिक अर्थ गान। कहता है यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन ही सामवेद कहलाता है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाला, यज्ञों का नियम बोलेगा तो यजुर्वेद, लेकिन यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाला जो ऋचाएं हैं उसका संकलन ही क्या कहलाता है, सामवेद। क्लियर है। आगे कहता है सामवेद के पाठकर्ता को उदात्री, ऋग्वेद के होत्री, यजुर्वेद के अध्वर्यु और सामवेद को उदात्री। कहा गया सामवेद का संकलन आधारित है ऋग्वेद पर, यहां से क्वेश्चन पूछता है, बीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे ये सब पॉइंट को इग्नोर करते हैं, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सामवेद का संकलन आधारित है ऋग्वेद पर, जिस प्रकार से ऋचा, वहां भी ऋचाओं का संकलन है, यहां भी गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है, दोनों में ऋचाओं का वर्णन किया गया है, इसलिए सामवेद आधारित है ऋग्वेद पर। भारतीय संगीत का जनक सामवेद कहा गया है क्योंकि साम का अर्थ ही होता है गान। आगे किस वेद में कोई भी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं है, तो यजुर्वेद और सामवेद दोनों में, यजुर्वेद और सामवेद दोनों में, इसलिए इसके रचयिता के बारे में भी कुछ खास वर्णन नहीं मिलेगा, कहीं कहीं पे लिखा गया लेकिन मेनली रूप से वो पूछता भी नहीं है, तो एक बार फिर से दोहरा लेता हूं। यजुर्वेद तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद, समझिए एक तरीका से क्वेश्चन बना के भी मैं क्लियर किया हूं, ताकि क्वेश्चन भी क्लियर होता जाए और एक लैंग्वेज टाइप में भी माइंड में सेट होता चला जाए। क्लियर है। ये सारे जब लास्ट होगा ना, तो इसका जब मैं वन लाइनर आपको दूंगा, तो 100 से 150 वन लाइनर क्वेश्चन बनने वाला है, इससे आपको प्रूफ करके बताऊंगा, वन लाइनर दूंगा। तो गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद, यजुर्वेद के पाठकर्ता अध्वर्यु, बलि के नियम का वर्णन यजुर्वेद में, यज्ञों का नियम का वर्णन यजुर्वेद में, लेकिन सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ गान, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन ही सामवेद है। सामवेद के पाठकर्ता उदात्री, उदात्री याद रखिएगा, बार बार बोलूंगा, ऋग्वेद होत्री, यजुर्वेद अध्वर्यु, सामवेद उदात्री। सामवेद का संकलन आधारित है ऋग्वेद पर, बहुत इंपॉर्टेंट, बीवीआई। भारतीय संगीत का जनक सामवेद, किस वेद में कोई ऐतिहासिक वर्णन नहीं, यजुर्वेद और सामवेद में। अब आगे सबसे लास्ट वाला या सबसे बाद वाला या सबसे आधुनिक वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद के रचयिता माना गया है अथर्वा ऋषि को, और अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद में कुल मंत्र 731 और पद 6000 का वर्णन किया है। यानी पूछेगा कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं, तो 731। अथर्ववेद में कुल कितने पद हैं, तो 6000। जादू टोना तंत्र मंत्र वाला वेद अथर्ववेद,
क्योंकि अथर्ववेद में ही जितना जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण शादी विवाह के समय परिणय गीत हो गया जो भी हो जाए वो सभी का वर्णन भूत पिशाच सभी का वर्णन इसी अथर्ववेद में है। इसलिए अगला पॉइंट्स लिख गया है कि अथर्ववेद में जैसे एक साधारण मनुष्य होता है ना उसके विचारा और अंधविश्वासों का वर्णन भी अथर्ववेद में ही है। तो अंधविश्वासों वाला वेद भी अथर्ववेद को कहा जाता है। अथर्ववेद के कुछ मंत्र किस वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर। तो देखिए क्वेश्चन ये सब देख के बड़ा ही कंफ्यूज कर देता है। यहाँ क्या बोला है, यहाँ क्या पढ़े थे हम लोग कि साम वेद का संकलन आधारित है किस पर? ऋग्वेद पर। यहाँ अथर्ववेद का कुछ मंत्र किस वेद से भी प्राचीन है? तो ऋग्वेद से प्राचीन है, ऋग्वेद से। अथर्ववेद के कुछ मंत्र हैं, भले वो बाद वाला वेद है आधुनिक वेद है, लेकिन इसका कुछ मंत्र जो है ऋग्वेद से भी प्राचीन है। क्लियर है? तो यहाँ ये अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पृथ्वी सूक्त। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व करता है पृथ्वी सूक्त। नेक्स्ट है सामान्य मनुष्यों के विचारों एवं अभी बोले थे विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है अथर्ववेद में। सामान्य मनुष्य के विचार निंदा नफरत ईर्ष्या और साथ ही साथ आपको अंधविश्वास ये सभी का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में परीक्षित को राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा माना गया है। प्रजापति की दो पुत्रियां सभा एवं समिति को कहा गया अथर्ववेद में ही वर्णन किया गया है। सभा एवं समिति को कहा गया प्रजापति की दो पुत्रियां। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सबसे बाद वाला वेद है अथर्ववेद। मैंने लिख दिया यहाँ पर। वेदों को भली भांति समझने के लिए रचना हुई वेदांगों की। वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना हुई? वेदांगों की। और वेदांगों की संख्या 6 है जिसमें शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो 6 वेदांग कौन कौन है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। याद रखें, फिर से दोहरा लेते हैं अथर्ववेद को। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट। अथर्ववेद के रचयिता अथर्व ऋषि। अथर्व ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? 731। कुल कितने पद हैं? 6000। अथर्ववेद में कुल कितने पद हैं? 6000। जादू टोना एवं तंत्र मंत्र वाला वेद अथर्ववेद, अंधविश्वासों वाला वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद के कुछ मंत्र किस वेद से भी प्राचीन है? ऋग्वेद। अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में परीक्षित को कहा गया है कुरुओं का राजा, या अथर्ववेद में कुरुओं का राजा किसे कहा गया? परीक्षित को, ऐसे भी पूछ सकता है। प्रजापति की दो पुत्रियां कौन थी? तो सभा और समिति। तो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस ग्रंथ में कहा गया? अथर्ववेद में। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद एवं सबसे बाद वाला वेद है अथर्ववेद। वेदों को भली बात समझने के लिए किसकी रचना हुई? वेदांगों की। वेदांगों की संख्या 6। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये 6 वो क्या है? वेदांग है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। क्लियर हुआ? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आपको खुद से जब बुक पढ़ी है तो इस प्रकार से एडजस्ट करके नहीं मिलेगा। बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं जो आपके माइंड को बोर कर देते हैं और आपको नींद आने लगता है, लेकिन मैं आपको पढ़ाते जाऊँ आपको मजा भी आएगा, एक एक पॉइंट्स याद भी होगा, इसका वन लाइनर आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, क्लियर होता जाएगा। अब लास्ट जो हम लोग देख रहे हैं, जो और इंपॉर्टेंट है, जो और ऐतिहासिक ग्रंथ, जो एक्स्ट्रा ऐतिहासिक ग्रंथ है अलग अलग धर्मों से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसका रचयिता कौन है, उसमें किसका वर्णन किया गया है, तो लास्ट हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं, यहां से हम लोग का ये लास्ट है और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक पॉइंट में दो दो तीन तीन क्वेश्चन बनने वाले, मतलब जितना भी आपको पॉइंट्स एरो का निशान दिख रहा है ये दो तीन क्वेश्चन से बिल्कुल लबालब भरा हुआ है, सभी क्वेश्चन से। तो सभी को मैं दो दो तीन तीन बार दोहराऊंगा, क्लियर हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। पुराणों की संख्या यहां से पढ़े, पुराणों की संख्या, क्योंकि पुराण भी है जो इतिहास के अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पुराणों के संख्या है टोटल 18 और पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्र सर्वा को माना गया है। तो पुराणों की संख्या 18, ये तो बहुत दिन से याद होगा यदि आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। उनके रचयिता लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा। यहाँ से क्वेश्चन एक बनाता है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण, क्रमबद्ध वर्णन मिलता है पुराणों में।
तो यहां से क्वेश्चन ये बन गया इंपॉर्टेंट कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है पुराणों में। आप देखे होंगे टीवी सीरियल विष्णु पुराण, देखते होंगे कि सभी राजा के कथाओं का उसमें वर्णन किया गया है, आपका ध्रुव का, उसके पुत्र बलि का, आगे चल के सभी राजाओं का वर्णन किया गया है, सहस्त्र बाहु का यदि आप देखे होंगे तो सभी जितने भी राजा बने हैं या वो अवतारी पुरुष जो भी हुए सभी का वर्णन किया गया है विष्णु पुराण में। उसी प्रकार से पुराण और अलग अलग पुराण जो बना हुआ है जिसमें कथाओं का विशेष रूप से वर्णन किया गया है जिससे इतिहास का अध्ययन करना आसान होता है, किसमें? पुराणों से। तो फिर से पुराणों की संख्या 18, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्र शर्मा। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा वर्णन मिलता है पुराणों में। मैं आपको एग्जाम्पल भी बताया कितने पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई गई है, तो 5 में, 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई गई है, जैसे मत्स्य पुराण हो गया, आपका वायु पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया, ब्राह्मण पुराण हो गया, ये गुप्त पुराण हो, ये वायु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, आंध्र, सातवाहन, इस प्रकार से ये सभी जितने भी पुराण हैं 5 पुराण हैं। मेनली रूप से सिर्फ ये याद रखना है कि कितने पुराणों में राजाओं की वंशावली का वर्णन हुआ है, वंशावली का वर्णन, तो 5 में। आप देखे होंगे कि विष्णु पुराण ही देख लीजिए, उसका सीरियल देखते होंगे तो उसका पुत्र जैसे कि ध्रुव हुआ राजा, उसका पुत्र बलि हुआ, फिर उसका पुत्र, इस प्रकार से, तो उसी को वंशावली कहते हैं। आइए सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। पुराण मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए थे? सरल संस्कृत भाषा में। विष्णु पुराण संबंधित है मौर्य वंश से, मौर्य वंश में भी देखे होंगे कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार हुआ, आगे हम लोग पढ़ेंगे मगध में, मगध साम्राज्य में, फिर उसका पुत्र अशोक हुआ, तो इस प्रकार से आगे बढ़ते गया, वंशावली था। तो यहाँ पर विष्णु पुराण में भी, मत्स्य पुराण में भी और वायु पुराण में भी, साथ ही साथ ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण, ये 5ों में राजाओं का वंशावली का वर्णन है 5 पुराण में। तो पुराण मुख्यतः संस्कृत में, विष्णु पुराण संबंधित है मौर्य वंश से। अब याद कैसे रहेगा? तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, चाणक्य का असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त, या बचपन से पढ़ रहे हैं, आगे भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य का संबंध किससे था? मौर्य वंश, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में मदद किसने किया था? कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त ने, इसलिए विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, याद हो गया होगा, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन, अब मत्स्य मतलब मछली होता है, आप देखते होंगे मार्केट से लाने जाते हैं आंध्रा मछली, आंध्र प्रदेश से जो मछली आता है उसको आंध्रा मछली कहते हैं, तो मछली मतलब मत्स्य, तो आंध्र सातवाहन वंश का संबंध है मत्स्य पुराण से। तो आपको विष्णु पुराण, विष्णुगुप्त मौर्य वंश बनाने में सहायता किया विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, तो उससे याद रहेगा विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन मछली, आंध्रा मछली होता है तो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है मत्स्य पुराण। वायु पुराण का संबंध है गुप्त वंश से, वायु पुराण संबंधित है गुप्त वंश, गुप्त वंश में भी आप देखे होंगे को आपका हो गया स्कंद गुप्त आ गया, चंद्रगुप्त द्वितीय आ गया, समुद्र गुप्त आ गया, ये सारे के सारे जो है वंशावली चला था, तो ये सभी में वंशावली चला है। तो फिर से तीनों को याद करते हैं, विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, वायु पुराण गुप्त, वायु वैसे भी गुप्त रूप से चलता है, वो आप उसको आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, तो वायु पुराण गुप्त वंश माइंड में सेट हो गया होगा, मत्स्य मछली आंध्रा होता है तो आंध्र सातवाहन, विष्णु पुराण मौर्य वंश, विष्णुगुप्त ने मौर्य वंश बनाने में सहायता किया। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन है मैत्रेयी संहिता में, स्त्री का सबसे गिरी हुई जो स्थिति है वो किस ग्रंथ में वर्णन किया गया? मैत्रेयी संहिता में, याद रखे ऐसे क्वेश्चन बनाता है, इस संहिता में स्त्री के बारे में कहा गया है कि शराब और जुआ के बाद पुरुष का तीसरा जो है लत है वो स्त्री है, तो स्त्री का सबसे गिरा हुआ स्थिति माना गया है मैत्रेयी संहिता में, किस संहिता में? मैत्रेयी संहिता, याद रहेगा। लेकिन स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया, स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी आधा अंग कहा गया, और रियलिटी भी है ये शतपथ ब्राह्मण में कहा गया, यहां दोनों याद रह जाएगा, स्त्री का सबसे गिरी हुई संहिता मैत्रेयी संहिता, और स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है शतपथ ब्राह्मण, क्लियर है। आगे प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य
ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य में, जैसे प्राचीन इतिहास को वर्णन करने में, अध्ययन करने में वैदिक साहित्य काम आ रहा है, ये सारे वैदिक साहित्य हैं, तो इसमें ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का। शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। एक बार फिर से ये सारे पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं, माइंड में पूरा सेट हो गया होगा, फिर से हो जाएगा। पुराणों की टोटल संख्या है 18। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्र शर्व। पुराण कथा भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा वर्णन पुराणों में मिलता है, जैसा कि आप टीवी सीरियल भी देखते होंगे विष्णु पुराण। कितने पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई गई है? 5 में, जिसमें 3 तो यहीं पे आपको मिल गया था, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, बाई पुराण, एक ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण है। आगे है सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। पुराण मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए? सरल संस्कृत भाषा में। विष्णु पुराण का संबंध विष्णुगुप्त मौर्य वंश, याद। मत्स्य पुराण मछली अंध्रा होता है, इसलिए आंध्र सातवाहन। वायु पुराण वायु गुप्त रूप से चलता है, इसलिए गुप्त वंश से संबंधित। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रिणी संहिता में। पूछ सकता है कि स्त्री को जुआ और शराब के बाद तीसरा लत कहा गया किस संहिता में? मैत्रिणी संहिता में। स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया शतपथ ब्राह्मण में। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण। एक एक पॉइंट भी आई है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप खुद से ये सारे पढ़ते तो इसमें बहुत सारा पढ़ना पड़ता आप बुक में, और वहां से पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन कहां से बनेगा, और एक तरफ से आप भूल जाते, लेकिन अब नहीं भूलोगे। भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख है गार्गी संहिता में। भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख किसमें किया गया? गार्गी संहिता। आगे है गार्गी संहिता के रचयिता या लेखक कात्यायन। गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन। तो भारत पर होने वाले यमन आक्रमण, भारत पर जो यमन ने आक्रमण किया था, उसका वर्णन गार्गी संहिता में। गार्गी संहिता के रचयिता है कात्यायन। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। अब गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, इसके बावजूद भी इसमें इतिहास का वर्णन है। जैसे वो जो आक्रमण का वर्णन है वो इतिहासिक का वर्णन हुआ ना, यमन आक्रमण का वर्णन किसमें किया गया है? गार्गी संहिता में। गार्गी संहिता के रचयिता कात्यायन। गार्गी संहिता कैसा ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ। आगे है चारों आश्रमों का वर्णन है जावालोपनिषद में। चारों आश्रमों का वर्णन है जावालोपनिषद में। जैसे मनुष्य के चारों आश्रम, आपको ब्रह्मचर्य आश्रम, वृद्धाश्रम, इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम, ये सब का वर्णन है। चार आश्रम होते हैं, तो चारों आश्रम का वर्णन किया गया है जावालोपनिषद में। क्लियर। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग के जो थे पुरोहित थे पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। महाभाष्य पुस्तक के लेखक पतंजलि है, और महाभाष्य पुस्तक में किस वंश का इतिहास का वर्णन किया गया? शुंग वंश। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य पुस्तक में किस वंश के इतिहास का वर्णन है? तो स्वाभाविक है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, तो शुंग वंश का ही वर्णन करेंगे ना, क्वेश्चन रिलेट करके याद करेंगे। तो पहले तो पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के। आइए संस्थापक है शुंग वंश का, तो निश्चित है शुंग वंश के इतिहास का वर्णन पतंजलि ने किया। किस में? तो महाभाष्य नामक पुस्तक में। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कलहन है, और राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। तो पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कश्मीर के इतिहास का वर्णन किसने किया? कलहन ने। कश्मीर के इतिहास का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो राजतरंगिणी में। या राजतरंगिणी में किस राज्य का वर्णन मिलता है इतिहास का? तो कश्मीर का। तो हर तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन मिलता है जातक में। बाकी बौद्ध धर्म में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ग्रंथों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें भी पढ़ लेते हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन जातक में है। जातक, तो यहां से क्वेश्चन कितना बन जाता है कि जातक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन जातक में है। जातक में किसका वर्णन है? बुद्ध के पूर्व जन्म का। हीन यान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु। बौद्ध धर्म ही हीन यान और महायान में बाद में बटा था, तो हीन यान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु। या कथा वस्तु बौद्ध धर्म के किस यान का है? तो हीन यान का। या किस ब्रांच का है, किस शाखा का है? तो हीन यान का, कथा वस्तु। बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है कथा वस्तु में ही। तो यहाँ देखिए, बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन मिलता है जातक में, और बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है कथा वस्तु में। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से कंफ्यूज करता है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। पाणिनि एक संस्कृत व्याकरण है।
क्या है, संस्कृत व्याकरण है, और संस्कृत व्याकरण का ही एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, और फिर भी इसमें इतिहास का भी वर्णन किया गया है। तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, और यह जो है पाणिनि जो है एक संस्कृत व्याकरण थे, सबसे पहले विद्वान संस्कृत व्याकरण कौन थे, पाणिनि थे, क्या थे, पाणिनि, और अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, क्लियर है। पाणिनि कहता है जैन साहित्य, जैन संहिता को, जैन संहिता को क्या कहा जाता है, आगम, जैन संहिता जो ग्रंथ लिखा उसे आगम भी कहा जाता है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन कल्प सूत्र में मिला है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र, और महावीर के जीवन कृतियों का वर्णन भागवती सूत्र। अब महावीर और बुद्ध में कन्फ्यूजन होते हैं, जीवन के बुद्ध के जीवन चरित्र या जीवन कृतियों का वर्णन कथा वस्तु में, जबकि महावीर के जीवन कृतियों का वर्णन भागवती सूत्र में, और जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन कल्प सूत्र में। प्रारंभिक इतिहास मतलब 24 तीर्थंकर हुए, आगे चल के विशेष पढ़ेंगे तो सभी तीर्थंकरों का वर्णन कल्प सूत्र में किया गया, लेकिन महावीर के जीवन कृतियों का वर्णन भागवती सूत्र में है। अरबों पर सिंध विजय का वर्णन चचनामा में है, चचनामा नामक पुस्तक में है, अरबों का सिंध विजय का वर्णन है चचनामा नामक पुस्तक में, और चचनामा के लेखक अली अहमद। अब फिर से जरा इसको शुरू से दोहरा लेते हैं, याद हो जाएगा। भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख किसमें मिलता है, गार्गी संहिता, गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन, और गार्गी संहिता एक कैसा ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है, गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ है। चारों आश्रमों का वर्णन किसमें मिलता है, जावालोपनिषद में, किसमें, जावालोपनिषद में। पतंजलि किसके पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग, इसलिए पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश का ही वर्णन करेंगे, और पतंजलि ने ही लिखा है महाभाष्य, हालांकि योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। फिर से महाभाष्य पुस्तक के लेखक पतंजलि, शुंग वंश के इतिहास का वर्णन। राजतरंगिणी के लेखक कलहन, कश्मीर का इतिहास का वर्णन राजतरंगिणी में। बुद्ध के पुनर्जन्म का वर्णन जातक में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु। बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन कथा वस्तु में। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, एक संस्कृत व्याकरण है, ये संस्कृत व्याकरण का पुस्तक है अष्टाध्यायी। जैन संहिता को कहा गया है आगम, क्या कहा गया है, आगम। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन मिलता है कल्प सूत्र में, या आगे पढ़ेंगे जैन धर्म में डिटेल में कि सभी जैन तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है कल्प सूत्र में। महावीर के जीवन कृतियों का वर्णन भगवती सूत्र में। अरबों पर सिंध विजय का वर्णन चचनामा में, और चचनामा के लेखक अली अहमद। क्लियर हुआ, आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, और नहीं तो आप नोट्स कर ही रहे होंगे। क्लियर है, अब मुझे पूरा पूरा विश्वास हो गया कि आपको बहुत मजा आया होगा इतिहास पढ़े में। अधिक से अधिक यदि इन्वॉल्वेशन इसमें होता है, अधिक से अधिक लाइक और कमेंट मिलता है, तो मैं आगे इतिहास को जारी रखूंगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमें बच्चे पसंद कर रहे हैं। और मुझे लगता है, अपना एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, कि इस प्रकार से पढ़ लिए होंगे तो एक एक पॉइंट आपको याद हो गया होगा। अब ये जितना मैं पढ़ा हूँ इससे लगभग 100 से 150 वन लाइनर बनने वाला है। वन लाइनर क्लास लाऊंगा तो आप टोटल मार लीजिएगा, और फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो टोटल मार लीजिएगा। वीडियो अंत तक देखें, अच्छा लगा तो पहले तो लाइक और कमेंट कर लीजिए, बहुत कम बच्चे लाइक करते हैं, और सभी को शेयर कर दीजिए। एक भी विद्यार्थी आपके कॉन्टैक्ट में गलती से भी है, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मैसेंजर से, व्हाट्सएप पे से, टेलीग्राम से, सभी को प्लीज लगातार शेयर करते रहें, ताकि आपका चैनल बेस्ट बने, आगे बढ़े, और मैं लगातार मेहनत करते रहूं। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।